चलिए हम लोग लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस में मैंने कुछ आपको बताया था, तीन कंक्लूजन बताए होंगे, ठीक है। उस कंक्लूजन से आगे चलें। चलिए पहले लिखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन हो गया। फाइनली इन्होंने एटॉमिक मॉडल कैसा दिया वो देखते। चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट, होल्ड द पॉजिटिव चार्ज of an atom is concentrated in a small volume called न्यूक्लियस। सर जो कल आपने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखा है तो उसके बाद में लिखना है ये। हाँ बेटा, तीन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखाए होंगे ना मैंने। यस सर। हाँ, उस तीन के बाद लिखना है। ओके सर। ठीक है, यहां से इन्होंने एक एजम्पशन दिया था, मतलब एक पॉइंट और दिया था कि जो रेडियस ऑफ एटम होता है, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 to the power minus इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 10 meter, ठीक है। एंड न्यूक्लियस इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 15 meter। इन ऑर्डर ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे एक चीज और टर्म समझ लीजिए, 1 nanometer इक्वल टू होता है 10 to the power minus 9 meter, 1 angstrom इक्वल टू होता है 10 to the power minus 10 meter, ठीक है। 1 picometer इक्वल टू होता है 10 to the power minus 12 meter। ठीक है, 1 thermometer होता है FM, ये होता है 10 to the power minus 15। ठीक है, इन्होंने क्या ऑर्डर दिया था कि जो रेडियस है एटम का वो एंगस्ट्रम की टर्म में होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस 10 to the power minus 15 meter की टर्म ऑर्डर का होता है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे और आर नॉट की वैल्यू क्या है,
बेसिकली आर नॉट के लिए इन्होंने एक रेंज दिया था, लेकिन एक जनरलाइज्ड वैल्यू यूज करते हैं, आर नॉट इक्वल टू 1.33 इनटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ठीक है रेंज था 1.1 से लेकर के 1.44, ऐसे लिखो 1.1 से लेकर 10 टू द पावर माइनस 15 टू 1.44 इनटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर तक आर की वैल्यू पॉसिबल है। ये आपका क्या है, मास नंबर है एटॉमिक वेट, सर आर कांस्टेंट का कोई नाम है? नहीं, रेडियल कांस्टेंट है बस, ठीक है। ये जो आर लिखा है ये आर न्यूक्लियस की रेडियस है, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस at a very high speed, nucleus at a very high speed in different concentric circular or quad orbits ठीक है, that means एक आपका nucleus है, एक आपका fixed circle जिसमें electron घूम रहा है, फिर दूसरा आपका fixed circle जिसमें electron घूम रहा है, ये जो दोनों अलग अलग है इनको इसने ऑर्बिट नाम दिया, जैसे एक ऑर्बिट होगी दूसरी ऑर्बिट होगी, सर ये कॉन्क्लूजन से ही ड्राइव हुए थे? हाँ बेटा, कॉन्क्लूजन से ही ड्राइव किए थे इन्होंने। सर कैसे पता चला होगा एक्सपेरिमेंट को देख के कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस? आप में से कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है इस चीज को, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं कैसे पता चलता है? पढ़ा है, बहुत लोगों ने पढ़ा है, चलो आप में से कोई एक लोग जवाब दे दो। बेटा आप लोगों में से कोई एक लोग जवाब दो। सर क्योंकि एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो रखने ही थे, अगर वो इलेक्ट्रॉन को है ना स्टेशनरी कर देते तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होके है ना न्यूक्लियस में है ना बाउंड हो जाता और फिर थॉमसन मॉडल ही बन जाता छोटा सा,
तो उन्होंने फिर उनको सर्कुलर ऑर्बिट्स में दिखा दिया। और सर अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं होती तो आने वाली आगे आने वाली और भी थ्योरीज फेल हो जाती। क्या जाते आने वाली जो और भी थ्योरीज थी सर, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस वगैरह, हिगन और प्रिंसिपल सर, वो भी फेल हो जाते। ठीक है, चलिए अब जिससे जो सवाल पूछा था उसको रिजल्ट मिल गया। यस सर। ठीक है, अब ये देखना आपका ये काम आएगा बाद में इसको फेल करने के थ्योरी के। सर जी। सर लेकिन जब वो घूमते होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो सर वो एनर्जी भी तो रिलीज करते होंगे, फिर वो एक टाइम आता होगा जब वो न्यूक्लियस में जाके बाउंड हो जाते होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी गिराएंगे हम भी लोग करेंगे। चलिए अभी उसको लोग डिस्कस करेंगे। सर वो ही तो इसका ड्रॉबैक था शायद। चलिए फोर्थ पॉइंट आप तो number of electron in orbits is equal to number of positive charge in nucleus. ठीक है, चलिए लास्ट इसके बाद वाला पॉइंट दोनों को पता है क्या, मोस्ट ऑफ द एटम इज इम्प्योर। मोस्ट ऑफ द एटम या फिर कह लीजिए मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज इम्प्योर। नोट कर लिया। ठीक है, अब लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सर हाँ जी सर, जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं सर तब वो अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करते ना। नहीं, कोई चुपचाप बैठा रहेगा तो कौन सी एनर्जी लॉस होगी। तो फिर सर अगर तो फिर ये कैसे कंक्लूड हो सका कि मींस इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है, क्योंकि सर अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वो आफ्टर सम टाइम वो न्यूक्लियस में आ जाएगा, तो ये तो एक तरीके से ड्रॉबैक हो गया ना, फिर उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। हाँ, तो ड्रॉबैक का पहला पॉइंट यही है। ठीक है, चलिए तो सर उन्होंने कंक्लूड कैसे किया कि वो मूविंग है। बेटा उन्होंने कंक्लूड तो ऐसे किया जो उस बच्चे ने आंसर बताया, उन्होंने इसी टाइप से बताया था। ठीक है, उन्होंने ये सोचा है कि अगर न्यूक्लियस में एक जगह हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा हुआ है, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तब तो ये अंदर आके गिर जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस जो हमारे पास, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, ठीक है, ये बोर ने बाद में इसका फायदा उठा लिया। बोर बोले कि एक फिक्स ऑर्बिट है जिसमें ये घूम रहा है और इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती, ये बोर इस बात को बोलेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि जैसे आपका सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, आपका अर्थ है जिसके चारों तरफ आपके सैटेलाइट ऐसे घूमता है, इसमें हम कोई अलग से फोर्स थोड़ी दे रहे होते हैं घूमने के लिए, ये भी तो नहीं गिरता है, एक बार धक्का देके पहुंचा दिया फिर घूमता ही रहता है, गोल गोल, इसमें कोई एनर्जी नहीं देते। ये अपने पाथ से जब डेविएट होता है थोड़ा बहुत, इधर उधर भटकता है रास्ते में इसी वजह से, तब हम इसमें फोर्स लगाते हैं तभी दोबारा ताकि इसके पाथ पे ले आए, फिर ये घूमता रहता है, इसमें कोई अपने फोर्स नहीं दिया। ठीक है, तो इसी पे आप इस चीज को कह सकते हैं, कोई भी चीज आप सर्कुलर में अगर घुमा करके छोड़ोगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक, बस ये कि इंटरनली कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहे, आप किसी को भी घुमा दो कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहे, अगर अंदर की तरफ आपका एक फोर्स अप्लाई रहे, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में एक इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
जिसे हम कूलॉम्स लॉ से पढ़ते हैं एफ इक्वल टू के क्यूबन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपके चार्ज अपोजिट हैं तो वही रिपल्सिव फोर्स होता है, अगर सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अगर रिपल्सिव है दोबारा से, अगर ये चार्ज आपका सेम है दैट मींस रिपल्सिव फोर्स होगा, और चार्ज अगर अपोजिट है दैट मींस अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन है आप इसको घुमा दोगे ठीक है, तो घुमाने से क्या होता है कि आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको अंदर की तरफ मिल रहा है, जो एक सेंट्रीपेटल फोर्स है वो आपको लगातार प्रोवाइड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन अपना चुपचाप एक वेलोसिटी दे दिया वे घूमता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोकोगे नहीं ठीक है। किसी चीज को सर्कल में घूमने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है, मतलब अंदर की तरफ एक फोर्स लगता रहे जिसको वी वेलोसिटी देके धक्का दे दो फिर ये घूमता रहेगा अपने आप, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप उसे सेंटर वाला फोर्स प्रोवाइड कर दो बस ठीक है। इसी टाइप से अर्थ में भी क्या होता है कि आपके पास ये अर्थ है ये बाहर सैटेलाइट है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा होता है ग्रेविटेशन वाला जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, उसकी वजह से दोनों में अट्रैक्शन लग रहा है तो वो आपका क्या जनरेट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ आपने धक्का देके छोड़ दिया तब ये नाचता रहेगा ऐसे बोलो घूमता रहेगा। अब आपके जो आप रस्सी नचाते हो वो इस टाइप से नहीं नाचता क्योंकि आपके हाथ से तो आप फोर्स लगा के जैसे आप हाथ से लगा के पकड़ के आप रस्सी घुमाओ वैसे गोल गोल घूमता है ठीक है, लेकिन आपको एक टेंशन रस्सी में बना के रखनी पड़ती है, और दूसरा एयर का आपका रिपल्शन लगता रहता है ठीक है, इस वजह से ये नहीं घूमना पसंद करती है, मतलब रिपल्शन लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा धीरे धीरे करके रुक जाएगी ठीक। आप किसी एक काम करो, आप किसी जो बहुत बढ़िया सर्फेस जिसपे टाइल्स लगे या ग्लास लगाओ उस पर ऐसे बॉल बांधो खूब टाइट करके, इसको झटका दे मतलब खींच के छोड़ दो मतलब घुमा दो खूब तेजी से पूरी रस्सी टाइट में, आप 10-12 चक्कर मार जाएगा आप, चूंकि फर्स्ट से फ्रिक्शन है ठीक है तो एक टाइम के बाद रुक जाता है, अगर ये फोर्स अब्सेंट कर दो तो ये घूमता रहेगा, फिर अगर सेंटर की तरफ आपकी कोई फोर्स लगा दो तो सेंट्रीपिटल आपको एक फोर्स चाहिए होता है किसी को घुमाने के लिए ठीक है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको भाई साहब को दिख गया था या अपोजिट चार्ज है देखिए क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम सकता है। अब जो आप लोगों ने पढ़ा है वो बात है कि आधा दूरा पढ़ा है, मतलब आधा दूरा का मतलब 9-10 के हिसाब से उतना ही पढ़ाया जाता है। अब मैं बताता हूँ कि वो जो घूमते रहने के कारण कोई बीच में न्यूक्लियस में नहीं आता है ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलॉम्स लॉ की वजह से आया जिसकी वजह से वो सेंट्रीपिटल पे घूम रहा है और वो घूमेगा आप उसको नहीं रोक सकते अगर उसमें वेलोसिटी है वी, तो अगर और दूसरा सेंट्रीपिटल एक कोई फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड है तो ये आप इसको रोक नहीं सकते, ये गोल गोल घूमते ही रहेगा जब तक आप एक्सटर्नली फोर्स नहीं अप्लाई करो। अब वो न्यूक्लियस में नहीं आने का जो रीजन है वो दरअसल क्वेश्चन ही कुछ और था ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाऊं। सर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमता रहेगा बिना एनर्जी लॉस के? हाँ घूमता रहेगा, लेकिन आपने जो पढ़ा हुआ है वो मैं थोड़ा अभी एलिबरेट करता हूँ, वो बेसिकली था गया कि वो जिसने वो बात बोली थी मैक्सवेल ने बोला था वो, और वो उसने कहा क्या था वो मैं बताता हूँ देखिए। सर वो तो उसने ये कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेल पे भी घूमता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जिसकी वजह से वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है ठीक है, इसने कहा था कि मैक्सवेल का लॉ ये कहता है कि जब भी कोई आपका चार्ज पार्टिकल ठीक है जब भी कोई आपका चार्ज पार्टिकल घूमता रहता है, एक काम कीजिए पहले आप थ्योरी लिखिए उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा ठीक है, थ्योरी लिखिए सबसे पहले आपको। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, सर ये ड्रॉबैक है, हाँ ड्रॉबैक में ही चल रहा है, ड्रॉबैक का पहला पॉइंट है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट but
अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी when a charged particle is in when a charged particle is in accelerated motion it will emit in form of emit energy in form of radiation and therefore it cannot maintain the radius of its path. So the radius of its path will continuously decreases and it will ultimately fall into the nucleus following a spiral path and thereby making the atom unstable. समझते हैं इसको क्या है. चलिए देखिए समझ होता क्या है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है. अगर ये चार्ज पार्टिकल नहीं होता तो घूम सकता था, तब ये थ्योरी हम नहीं पढ़ते, तब नहीं अंदर गिरता. चार्ज पार्टिकल नहीं होता और अंदर की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता जिसकी वैल्यू mv² / r के बराबर होती,
कभी इतना खराब कहानी हमको पढ़नी जरूरत नहीं पड़ती, तब कुछ नहीं गिरता। गिरता क्यों है वो समझिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल जो अपने पॉइंट में मूवमेंट करता है, ठीक है, एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट कैसे होता है वो समझिए, इधर आपकी वेलोसिटी भी है, देन अगेन वेलोसिटी भी है, देन अगेन वेलोसिटी भी है। उसने क्या कहा था, कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है, लेकिन आप लोगों को ये पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेट अगर होगा दैट मीन्स इधर से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एमिट करता है। अगर एक्सेलरेट होता है तो, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल को आप कॉन्टिन्यूसली किसी भी वेलोसिटी से मूव कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करा रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं। एक्सेलरेट कराओगे तो ये क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, ठीक। क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए आपको इन जनरल अगर आप देखोगे तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या चाहिए होता है, एक्सेलरेशन के लिए हमें फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जितनी इसके पास एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी एमिट करेगा तभी डायरेक्शन बदलेगा, क्योंकि उसे एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक। इसके इलेक्ट्रॉन में घूमने के लिए तो फोर्स अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, Q2/r² से हमारे पास फोर्स है घूमने के लिए। लेकिन जब ये वेलोसिटी की अपनी डायरेक्शन बदलेगा दैट मींस ये अब एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट होगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा और ये थोड़ी सी एनर्जी लूज करने के बाद इस फोर्स को फॉलो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉइंट पे ये एनर्जी लॉस करता जाएगा, ये पाथ कौन सा फॉलो करता जाएगा, ये जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज की थोड़ा सा इधर इधर, आप अपना रेडियस और छोटा करते जाओ और छोटा करते जाओ, और एक टाइम क्या होगा कि ये न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा, तो एटम इस हिसाब से स्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था आपका मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो आप इलेक्ट्रॉन को दबा रहे थे। सर हाँ जी, सर ये इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है? बेटा कोई फॉर्म एनर्जी आपकी अगर एमिट होती है, ठीक है, तो अगर विजिबल रीजन है तो आपको लाइट दिखेगी, नहीं रीजन है तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी एनर्जी एमिट कराएंगे बोर मॉडल में, तो उसमें दुनिया भर का पढ़ लेंगे कि क्या एनर्जी एमिट करता है क्या नहीं। सर हाँ जी सर, लेकिन एक बुक में जब मैंने पढ़ा था तो उसमें लिख रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब निकलती है तब वो एनर्जी रिलीज करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो कहते हैं, अगला वही है, चिंता मत करो आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। सर क्या आप वो बना के दिखा सकते हो, दो एटम कैसे एक्चुअली में कंबाइन होते हैं, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके चारों तरफ? वो अभी नहीं बताऊंगा, अभी दो चैप्टर के बाद केमिकल बॉन्डिंग में बनवाऊंगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया तो मैं दूसरा पॉइंट लिखूं। दूसरा आपका ड्रॉबैक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन the line spectrum of hydrogen atom, the line spectrum of hydrogen atom. सर हाँ जी सर, मतलब एक डाउट था कि वो अपनी एनर्जी लूज करता है जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, सर मतलब ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए आप जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन में कोई चीज अगर चल रही हो तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है
कि कोई चीज तब तक कंटिन्यूअस मोशन में रहती है जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो वेलोसिटी क्या होती है, जैसे ही आप वेलोसिटी बदलोगे तो आपने शायद काइनेमेटिक्स से पढ़ लिया, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ लिया सर, मतलब अभी थोड़ा सा ही हुआ है। अरे तो वो s इक्वल टू ut प्लस r pt स्क्वायर ब्रेक अप्लाई करना है, ये सब पढ़ा अभी सर? वो 9th में पढ़ लिया, अभी नहीं अभी नहीं पढ़ा। चलिए ठीक है, आगे आएगा आपका, आगे आपका ये आएगा कि वेलोसिटी और स्पीड दो अलग अलग चीजें होती है। दूसरा बात, दूसरी बात कि जब अगर हम मान लीजिए पहले प्लस 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे थे, बाद में माइनस 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगे, इसका मतलब हमने क्या किया, पहले हम डी एक्सेलरेट हुए फिर नेगेटिव साइड में एक्सेलरेशन लगाए। तो जब आप वेलोसिटी की डायरेक्शन समझोगे ना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने के लिए आपको फोर्स चाहिए होता है, जैसे आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, अब मैं कहूँ कि आपको थोड़ा सा इधर होके चलना है, तो थोड़ा सा इधर होने के लिए अगर आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मैं कहूँ थोड़ा सा ऐसे डेविएट होके ऐसे चलना है, तो इसको थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना डेविएशन के लिए, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के लिए। अब मैं कहूँ थोड़ा सा और आपको उधर खिसक के चलना है, तो फिर आप दोबारा इधर से फोर्स लगाओगे तभी ऐसे चलने लग जाएगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है? तो वो एक्सटर्नल फोर्स अगर आपके पास नहीं है, मतलब बाहर से आपको कोई धक्का देने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी लगाओगे। खुद की इंटरनल एनर्जी मतलब जो रिवॉल्व हो रहा था उसने अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी लगाई घूमने के लिए। तो अगर खुद की इंटरनल एनर्जी लगाएगा घूमने के लिए, तो जितना एनर्जी लगाएगा वो उतना एनर्जी उसका लॉस होगा, क्योंकि एक्सेलरेट होना है तो अपनी तरफ से ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी तरफ से ताकत लगाएगा तो थकेगा, ठीक है? फिर बाद में क्या होगा, थकेगा घूमते 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 वापस जाकर के बैठ जाएगा नीचे। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट आपका हो गया कंक्लूड। दूसरा वाला लाइन स्पेक्ट्रम भी आपका बोर मॉडल के साथ हम देखेंगे, ठीक है? अब चलिए इसी में रदरफोर्ड में एक और पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या चीज होती है, देखिए हमने क्या किया था कि न्यूक्लियस के पास एक अल्फा मतलब गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल गिराया था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ये हमारा ना न्यूक्लियस, ठीक है? यहां से हमने अल्फा पार्टिकल भेजा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल मैंने क्या लिखा था, हीलियम प्लस टू होता है, चार प्रोटॉन के मास वाला, ठीक है? इधर से ये जाएगा जाएगा इसके बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लाइन में जाएगा, कि किसी मान लीजिए आपका इनफाइनाइट से आ रहा है, मतलब बहुत दूर से आ रहा है, तब तो इसका फोर्स इस पे नहीं लगेगा, इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जेड इंटू ई के बराबर। जेड इंटू ई का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आपके पास ऑक्सीजन का आइटम है, सपोज कर लीजिए ऑक्सीजन का आइटम है, तो इसके न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटोन होंगे, तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटोन होते हैं, 8 प्रोटोन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे कहां पे होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। तो न्यूक्लियस में चार्ज की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ई के बराबर होता है। ये आपका जेड इंटू ई, वही लिखा हुआ है, जेड आपका क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, और ई आपका क्या है वैल्यू, 1.6 × 10⁻¹⁹, इसके साथ पॉजिटिव के साथ। एक कॉब एक्सप्लेन कर दीजिए, नेट इशू हो गया था थोड़ा सा, ठीक है? देखिए हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है, इधर से अल्फा पार्टिकल हमने थ्रो किया है उसकी तरफ जाने के लिए, सेम डायरेक्शन में। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, जेड इंटू ई के बराबर। जेड आपका क्या क्या हो गया सर, फर्स्ट ऑफ ड्रॉबैक्स वाज एक्चुअली क्या कंक्लूड हुआ है, इज इट अबाउट द, हाँ बेटा अनस्टेबिलिटी के बारे में था, एटम का स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन खुदवा दोगे न्यूक्लियस में तो आपका अनस्टेबल हो जाएगा। क्या बता रहा था मैं, भूल गया, ठीक है? हाँ ये बता रहा था कि ये आपका हीलियम प्लस टू है, ये आपका न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस में चार्ज की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव में चार्ज है, जेड आपका क्या एटॉमिक नंबर है, ई क्या है, एक प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है। अब दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहा, ठीक, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब पहुंचा वहां से इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। जैसे आपके पास दो चुंबक है, दूर दूर रखो नॉर्थ नॉर्थ पोल को, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पास लाओगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दोनों आपस में रिपल्शन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये होता है। चलिए अब अगर मान लीजिए ये दोनों इनफाइनिटली बहुत दूर दूर है, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसे कहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। अभी आप बस याद रख लीजिए, आपको ट्वेल्थ के पहले चैप्टर में ही मिलेगा, ठीक है। दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर। के क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू होती है। Q1 की वैल्यू क्या है, जो हीलियम प्लस टू आ रहा है उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हीलियम प्लस टू के पास प्रोटॉन कितने होते हैं, 2e के बराबर, और Q2 का मतलब ZE, ठीक है, Z into E, कोई भी आपने जनरली कोई एटम दे दिया, ये आपका Q1 रहा, ये आपका, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमेबिलिटी कांस्टेंट है। अब इसमें डिटेल में मत जाइएगा, अभी काम का नहीं है, पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, टू ई किसका चार्ज है, हीलियम के न्यूक्लियस का चार्ज है, ठीक है। हीलियम में क्या है, अंदर न्यूक्लियस में हीलियम का टोटल एटॉमिक वेट कितना होता है, 4 के बराबर, जिसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। इन दो प्रोटॉन का चार्ज कितना आएगा, 2 इनटू e के बराबर यहां लिखा हुआ है, और न्यूक्लियस मान लीजिए कोई भी एक जनरल एटम ले लिया जिसका z एटॉमिक नंबर था, तो उसमें चार्ज कितना होगा, z इनटू e के बराबर, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या इसमें, यहां तक नोट कीजिए, मिटा के बताऊं, सर। हाँ जी सर, ऐसा क्यों होता है कि मतलब अगर हाँ बोलो, ओके सर, आ गए आ गए सर। हाँ जी सर, वहाँ पे आपने एप्सिलॉन नॉट को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा था सर, वो तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सर रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये फिजिक्स वाली परमिटिविटी दे रखा है, ठीक है भाई, लिखो परमिटिविटी कांस्टेंट, भूल गया, परमिटिविटी ऑफ स्पेस होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ, पहले से ही लिखा था, ठीक है, चलो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पहुंचते पहुंचते रिपल्शन इतना बढ़ जाएगा कि आपका बिना टकराए से वापस आ जाएगा। तो जो आपने पढ़ा था कि जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करते हैं तो न्यूक्लियस से टकरा के वापस आता है, वो एक्जेक्टली टकराता नहीं है पहली बार, ठीक है। तो वहां से हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है, ये सपोज कर लिया मैंने आर के बराबर, ठीक है। तो आपने जो रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा था कि ये जो हीलियम प्लस टू आता है न्यूक्लियस से टकराया फिर वापस आया, एग्जैक्टली क्या होता है, ये न्यूक्लियस से टकराता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या होगा,
जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल स्टार्ट में रहेगी, मान लो आपने वी अल्फा वेलोसिटी से इसको यहां से यहां तक फेंका था, कोई भी चीज अगर आप ऊपर उछालोगे तो वापस कब आती है, जब यहां से चलते चलते यहां पहुंचे, यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, फिर वापस से फिर नीचे आना शुरू करती है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, जीरो। चलिए अब बताइए, यहां तक किसी को कुछ पूछना है कि मैंने क्या किया है? नहीं पूछना है, ठीक है। चलिए अब एक थ्योरम आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन ही लगा दो यार, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, सारा का सारा सिस्टम आपका एक ही है, कंप्लीट सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। That means kinetic energy initial plus potential energy initial equal to kinetic energy final plus potential energy final। वैसे आप work energy theorem भी लगा सकते हो, लेकिन ठीक है जब point लगाना। चलिए kinetic energy initial कितना है, half जितना mass of alpha है into v alpha का square। potential energy initial कितना है, मैंने क्या बताया, infinite से आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, इसको इनफाइनाइट करोगे कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मींस ये कितना हो गया, जीरो। अब हम किस पॉइंट तक के लिए लगा रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट तक के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गई, जीरो है। लेकिन आप पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो किसके बराबर आएगी, इंटू टू ई इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब यहाँ जो आपने आर लिखा है बेटा, ये आपका आर जो है यही आर नॉट होता है, ठीक है, जो वहां हमने आर नॉट लिखा था ना वो यही आर था। नेक्स्ट टाइम से लेक्चर में सब लोग ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो, जब तक टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं उसमें से डाउट पूछा करो, इधर उधर घुमाया मत करो, ठीक है। आपने अगर पहले से पढ़ लिया, अकेडमी पारस ठाकुर की वीडियो देख ली है, तो उसको लेक्चर में मत अप्लाई किया करो, ठीक है। दुनिया भर के जो उनके रीजन है वो मुझे भी पता है, अगर वो आपके नॉलेज के प्लस पॉइंट के लिए है कि आप घर पे हो तो आराम से बैठ करके देख लो, जितनी चीजें अगर एक्स्ट्रा बताते हैं, कुछ नई चीजें वो बताते हैं मेरे अलावा, तो आप उसको पॉइंट आउट करके नोट लो। बीच में लेक्चर में इंटरफेयर करोगे तो अगली बार से म्यूट करवा दूंगा सबका, एक भी डाउट नहीं पूछने दूंगा। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप पूछा करो, जो भी पढ़ाया नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, मुझे क्या है क्या नहीं है, उसमें आप घुसे पड़े रहते हो। हेलो सर। हाँ जी सर, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो कैसे होगी सर, फिर से बता दीजिए। यहाँ बताया ना मैंने कि मैंने सपोज किया इनफाइनाइट से आया, मतलब बाहर की दूरी बहुत ज्यादा है, हर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तभी तो इनफाइनाइट से आएगा, दैट मीन्स रिपल्शन फोर्स बिल्कुल जीरो होगा। अगर आपका आर एक कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस मिल गया, ठीक है, तो एक फोर्स से रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू। मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल में मैं फोर्स बिल्कुल लगाना नहीं चाह रहा हूँ, दैट मीन्स मैं इनफाइनाइट से भेज रहा हूँ। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत दूर से भेज रहा हूँ, इनफाइनाइट का मतलब आपके पास कोई 10^-10 मीटर का है, उसको 1 मीटर दूरी से भेजोगे तो उसके लिए इनफाइनाइट ही हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट का सेंस ये होता है, ठीक है। चलिए इसको फाइनल आप कंक्लूड करके फाइनली आप लिख सकते हो कि आर नॉट इक्वल टू के इंटू 4e square divided by v alpha, 4 का बाद
4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन वी अल्फा स्क्वायर इनटू एम अल्फा। एम अल्फा की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 4 ए एम यू, दैट इज 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। या फिर एसआई में सबको ले लो तो माइनस 27। सर जी, सर सर जो आपने आर नॉट की वैल्यू बताई थी वो यहाँ से कैलकुलेट हुई थी पहले जो बताई थी? हाँ, वी अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। सर जी, सर ये कैसे पता चलेगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी हमको लगानी है कि क्लोजेस्ट अप्रोच तक पहुंच जाए? क्योंकि सवाल देगा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि पता कैसे चला होगा, क्योंकि अगर हम कम काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे तो वो तो पहले ही है ना वापस आ जाएगा ना ज्यादा दूरी से। बेटा एक्सपेरिमेंट जैसा होता है वो, फिर बड़ा बड़ा करके वो ऐसे थोड़ी सालों एक्सपेरिमेंट चलते हैं। ओके सर, हर वैल्यू और डाटा के साथ कैलकुलेशन। चलिए अब नेक्स्ट हम लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट सेटिंग आपका ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या होता है कि कोई भी आपका मीडियम रिक्वायर नहीं होता इनको ट्रेवल करने के, कोई मीडियम नहीं होता, तभी भी चल जाएंगे। जैसे आपका साउंड है उसको एक मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नहीं चाहिए होता है। आपके लाइट जनरली ईएमआर शो करते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, इसका दो नेचर होता है। ठीक है, एक होता है वेव नेचर लाइट का जो कि मैक्सवेल ने दिया था, वो और दूसरा आपका पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसी को आपका लाइट का ड्यूअल नेचर कहते हैं। ये आपका दिया था प्लैंक्स ने। सर ईएमआर क्या होता है? मिलेगा आपको आगे मिलेगा। तो ऐसे में अभी डायग्राम बना रहा हूं, समझ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल EMR या फिर लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स।
चलिए इस वेव की आप प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बढ़ते हैं। जो भी आपका लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। अभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होता है, इसका फीचर क्या होता है, फिजिक्स वाले मास्टर से पूछेगा खुद बताएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, हम अपने काम की चीज बढ़ते हैं। देखिए इस वेव की खासियत क्या होती है कि ये आपकी वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इनके ट्रेवल की डायरेक्शन, ठीक है, एक दूसरे के सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स ये आपके ट्रेवल की डायरेक्शन होगी, ये आपका ई हो गया, ई बी हो गया, और यहाँ पर ट्रेवल का डायरेक्शन, ठीक है, ये आपके ट्रेवल की डायरेक्शन है, इधर की डायरेक्शन में ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी तीनों के तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यानी जब भी आपका कोई लाइट ट्रेवल करेगा किसी डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और दोनों तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जनरेट होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। अब बाकी डिटेल में लाइट यहां पर एक्स क्या है, क्या है X. एक बैठा के आवाज समझ में नहीं, क्या पूछ रहे हो आप सर, यहाँ पर X क्या है? X प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, मतलब किस डायरेक्शन आपकी वेव जा रही है, वेव आपकी इधर सीधे X एक्सिस पे जा रही है, ठीक है, वो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। अब कुछ पॉइंट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में पढ़ते हैं कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। दो तीन चीजें वही जो आपने पहले 9-10 में पढ़ी होंगी, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, ये सब पढ़ेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, तो फर्स्ट आपका है वेवलेंथ, दिखाते किससे है, लैम्डा से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, कोई भी ले लो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ठीक है, ट्रफ भी ले सकते हो। दैट मीन्स आपका क्या मतलब है इस पॉइंट का, कि आपके पास कोई ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है, ये ऊपर वाले दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसे लैम्डा कहते हैं, या फिर ये नीचे वाले दो पी के बीच का डिस्टेंस होता है वो लैम्डा कहते हैं। इसके अलावा किसको लैम्डा करते हैं वो भी समझ लीजिए। अगर आपकी कैसे ट्रेवल की है वेव, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के भी डिस्टेंस निकालोगे इसे भी लैम्डा है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये वेव कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव के बाद क्या है सर ये, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या हुआ, कॉन्सिक्यूटिव के बाद क्या लिखा है आपने, क्रस्ट लिखा है, CRUSTS, इसकी यूनिट क्या होती है लैम्डा की, मेजर करने की एसआई यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की, तो आपकी होती है मीटर, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया, फेमटोमीटर,
पिकोमीटर, ये सारी वैल्यू मैंने आपको भी लिखा दी। दूसरी टर्म आती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू या फिर किसी जगह आपको एफ लिखा हुआ मिल जाएगा, मिल जाता है, कर सकते हो आप, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, कैन बी डिफाइंड एज defined as a wave passing through a point, wave passing through a point in unit second. यूनिट सेकेंड भी लिख सकते हो, पर सेकेंड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो आप, मतलब एक सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कितनी बार ये क्रॉस करेगा, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी बाई लैम्डा के बराबर होता है, ठीक। अगर वेलोसिटी की वैल्यू, इस वेलोसिटी की वैल्यू लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, दैट मीन्स लाइट की स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, तो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, सी बाय लैम्डा के बराबर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, सर हर्ट्ज होती है, लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा आपका है वेव नंबर, वेव नंबर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ। वेव नंबर कहते किसको है, एक मीटर डिस्टेंस में या एक मीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव जितने हो, यानी नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर लेंथ, ठीक है, उसे हम कहते हैं आपका वेव नंबर। यूनिट आपकी क्या होगी, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, कुछ भी ले लो, जो आप जिस टर्म में लैम्डा रखोगे उसके इनवर्स की टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल से कुछ जानकारियां थी, ये उन्हें दे दी। इसके बाद आते हैं प्लैंक्स के लिए, एक पहले एक और ऑर्डर लिख लेते हैं, ये आईआईटी वाले तो नहीं पूछते लेकिन दुनिया भर के स्टेट वाले पूछते रहते हैं। एनर्जी की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है कॉस्मिक रेज की, ठीक है, देन आपकी एक्सरे की। सर हाँ जी, सर ये वेव नंबर को पीरियड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पीरियड, पीरियड, यस सर बोल सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, यू भी हो गया, देन आप सिंपल पीरियड बोलना चाह रहे हो या टाइम पीरियड बोलना चाह रहे हो, सिंपल पीरियड सर, हाँ फिर ठीक है। देन आपका माइक्रोवेव और बन रहे हैं विजिबल हो गया, रेडियो
सर एक कॉस्मिक रेज क्या होता है? कॉस्मिक रे मतलब जो भी है वो आपके क्या जो अंतरिक्ष में निकलती रहती है उन्हीं में जो आप जिससे स्टार की स्टडी की जाती है ना वो ये रे। जो हम पढ़ते रहते हैं ना कि स्टार इतनी दूर है वो ये रे बताती है। सर इसमें गामा रेज क्यों नहीं है? है बेटा है, एक्सरे से आगे गामा रे आती है। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है देखिए इसने इस हाँ बोलो सर। तो जो यू वेव्स लिखा था वो इंफ्रारेड है? नहीं, रेडियो वेव और इंफ्रारेड दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है, अगर इंफ्रारेड लिखना होगा तो माइक्रोवेव और विजिबल के बीच में लिख देना, उसमें आती है इंफ्रारेड। चलिए प्लैंक्स थ्योरी की बात करते हैं। इस थ्योरी ने क्या कहा था कि मैक्सवेल की थ्योरी तो सही है, ठीक है, उसने ये बोला कि लाइट वेव नेचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। लेकिन इसने दो इफेक्ट स्टडी किए जिसे मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक आपका है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम मैक्सवेल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन वाली थ्योरी है थोड़ी, और दूसरा है आपका बीबीआर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दो थ्योरी थी जो इसने एक्सप्लेन की, मतलब इसने कहा था प्लैंक ने नहीं, मैक्सवेल ने एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं सर, प्लैंक ने की थी सर। सर हाँ सर, प्लैंक ने की थी सर। ये मैंने लाइन क्या लिखा है? अच्छा सॉरी सॉरी। अब प्लैंक ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी? इसने क्या कहा था, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स और units units is called on बेटा जो एंड के क्वांटम थ्योरी अलग की थी ना वो बहुत वो थोड़ी अलग थी।
ठीक है, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी पैकेट्स, आर कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। सबसे पहली बात इस टॉपिक की, ज्यादा अंदर मत जाना, जितना मैं पढ़ा उतना पढ़ना, ठीक है। खोजने लग जाओ क्वांटा क्या होता है, इसका बेसिकली मीनिंग होता है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आपको पता है कि हाँ क्वांटा कहते हैं, बात खत्म। फोटॉन्स क्या होता है ये पता है, ठीक है, बात कहानी खत्म, ठीक है। जितना डीप पूछोगे, आपको रिसर्च नहीं करना, आपको पेपर निकालना सबसे पहली बात। किसी साइंटिस्ट ने ये भी कहा था ना कि इफ यू आर सेइंग दैट क्वांटम इज यस दैट यू हैव अंडरस्टैंड द क्वांटम दैट मींस यू आर लाइंग और यू आर मतलब आप पागल हो, क्या किसी एक ने ऐसा भी कहा था शायद से। मुझे आप कुछ ऐसे ही लग रहे हो, अभी मैं समझा रहा हूँ कि ठीक है, आपको जो पता है आप पता रखिए, ठीक है। जो एग्जाम में आएगा मेरा पर्सपेक्टिव वो है, क्योंकि हम लोग को लेक्चर लिमिटेड मिलता है, कहानी में नहीं सुना सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स के बारे में बात करते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट, फोटॉन्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, इन वैक्यूम कर लीजिएगा, नहीं भी लिखा रहेगा तब भी आपको पानी में नहीं टहल होगा, समझा, जब पेपर में पानी में नहीं भेजेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, द स्पीड एंड लैम्डा ऑफ फोटोन, changes in a medium, but its frequency and energy remain सर। आपने द स्पीड एंड के आगे क्या सिंबल लगाया है? लैम्डा। ओके सर। सर स्पीड और लाइट वैक्यूम और नॉर्मल स्पेस में कांस्टेंट रहती है ना? अच्छा, जब आप उसमें ऑप्टिक्स पढ़ना ना, फिजिक्स में, तब मुझे बताना। नहीं सर, पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, पूछ रहे हो? हाँ सर, बता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है तब आपकी स्पीड बदल जाती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी होता होगा सर। हाँ सर, कुछ होता है। सर जी, पर इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं होती? अरे नहीं, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, मतलब आप अगर पर्टिकुलरली बोलो कि स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 × 10⁸, वो हम बोलते हैं वैक्यूम में, और आप मीडियम अगर बदल लोगे तो बदल जाती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं स्पीड ऑफ लाइट हमेशा 3 × 10⁸ ही हो। हम जो कॉन्स्टेंट वैल्यू पढ़ते हैं 3 × 10⁸, वो सिर्फ वैक्यूम में।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए जो लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ इसमें ज्यादा डिटेल में मत जाना, जितना बोलूंगा उतना सुन लेना। थर्ड पॉइंट आपका ये है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है, गीत मत गाने लग जाने की लाइट रुक कैसे गया। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है, ये आता किससे है? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। किससे आता है ये? आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सर अब इसमें हाँ बोलो सर, फोटोन का लैम्ब्डा कैसे होगा? फोटोन सर एक तरह पार्टिकल टाइप है ना सर। लैम्ब्डा फोटोन मैंने किसको लिखा था सर? एनर्जी पार्टिकल सर, एनर्जी पैकेट। हाँ तो एनर्जी पैकेट है तो उसका लैम्ब्डा होगा। अब चिंता मत करो, मैं रिलेट कर दूंगा। देखिए आइंस्टीन की थ्योरी रिलेटिव थ्योरी क्या कहती है कि m equal to m naught upon under root of 1 minus b square upon c square। ठीक है, यहाँ पे c आपका क्या है? लाइट की स्पीड है 3 into 10 to the power 8। m naught क्या है आपका? रेस्ट मास है। ठीक है, देखिए जब भी आपका वेलोसिटी अगर c के बराबर होगी तो 3 into 10 की पावर 8 होगा, 1 minus 1 करोगे 0 आएगा, यानी m naught की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 के बराबर। ठीक है, अगर इस थ्योरी से एक और चीज पता चलती है कि अगर आप किसी चीज को लाइट के रिस्पेक्ट में किसी बट ठीक ठाक वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो, ठीक है, जैसे 3 into 10 to the power 8 है, आप 3 into 10 की पावर तो वैसे ही कर दो 2 into 10 की पावर 8 से स्पीड से आप ट्रेवल करने लग जाओ तो आपका मास क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, बस इतना ही काम कर रहा। आप एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस या वी इंक्रीजेस मास इंक्रीजेस। अगर रिसर्च करना तब कर लेना जा सकते। सर हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा तो फिर मास तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, जीरो क्यों होगा? नीचे वाले टर्म जीरो की तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो। अच्छा तो ओके सर, मैंने रेस्ट मास की बात बोली है, मैंने मास की बात नहीं बोली। ठीक है, मैं किस वैल्यू को बोल रहा हूँ? एम नॉट की वैल्यू को बोल रहा हूँ, मैं एम की वैल्यू को नहीं बोल रहा। अगर एम की वैल्यू की बात करोगे तो वो तो नॉट डिपेंड हो जाएगी सर। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर ये वाला। देखिए इसमें क्या है, पर्टिकुलर थ्योरी में आप फॉर्मूला देखो तो आपको क्या लिखेगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ठीक ठाक स्पीड से चले लाइट के आसपास स्पीड से, ठीक है, तो आपका मास क्या होगा? जितना आप रेस्ट है मतलब जिधर रुके रहोगे उसके कंपेरिजन में मास आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी आप 40 किलो के हो, अगर किसी ठीक ठाक 2 into 10 की पावर 8 लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लग जाओगे तो हो सकता है आपका मास टोटल ओवरऑल बाद में 41 लगने लग जाए। मतलब ट्रेवल जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे आपके मास की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वो लाइट की स्पीड के आसपास की कोई ठीक ठाक वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो बहुत नेग्लिजिबल आएगी, 1 माइनस नेग्लिजिबल तो m बराबर m नॉट। ठीक है, जैसे जैसे आप वेलोसिटी इंक्रीज करते हो, आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। ठीक है, इसी से हम एक लाइन कहते हैं मास। हाँ बोलो सर, अगर लाइट के इक्विवेलेंट अगर स्पीड ना हो तब उस केस में सर मास इंक्रीज नहीं होगा?
अगर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम हो, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मतलब वैल्यू अगर बहुत कम कर दोगे वी की वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है 0.00 आएगी, क्योंकि नीचे 10^16 की टर्म आएगी, ठीक है। ऊपर आपको मिनिमम कुछ नहीं तो 10^14 या 15 लेके आना ही पड़ेगा, अगर एक थोड़ी ठीक ठाक वैल्यू चाहिए जिसको सॉल्व करके आप नया मास निकाल सकते, ठीक है। तो आपको एक अच्छी अच्छी खासी लाइट के आसपास की स्पीड होनी चाहिए, 10^8 नहीं तो 10^7 या 10^6 ही सही, लेकिन आसपास तो पहुंचो, ठीक है। अब ये आपसे क्या कहते हैं, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो अगर है, दैट मीन्स मास ऑफ फोटोन इज डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी, depends on its velocity. आपने सर जो लास्ट में फॉर्मूला दिया था वो कहीं अप्लाई होगा, मतलब हमारे कहीं टेस्ट वगैरह में? कहीं नहीं अप्लाई होगा। ओके सर। बहुत अगर मूड में सवाल आएगा तो आपको पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन लिख करके देगा तो पूछ लेगा, तो नहीं पूछ। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप करते हैं। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।